गुड मॉर्निंग गाइस. नाउ दी अनदर इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन विच इज यूजली आस्क इन द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन. ये भी सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है. ठीक है, सो ये किस टॉपिक से पूछा हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल सी द टॉपिक, एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट और इन एडवोकेट प्रॉफिट. एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट ये क्या है? देखो, जो प्रॉफिट है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल, एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाता है. तो जो भी प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में आता है, ठीक है, व्हाट आर द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस बाय द पार्टनरशिप फर्म, दैट इज ट्रांसफर्ड इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके, एंड इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट दैट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. ठीक है, सो अगर वही प्रॉफिट जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है, वो प्रॉफिट अगर एप्रोप्रिएशन के जो एक्सपेंडिचर्स है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ओके, इन अगर ये ज्यादा हो गया और प्रॉफिट कम पड़ जाए, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं? यूजली बोर्ड का ये एक इंपॉर्टेंट, या मैं कहूं कि ये एक पेड क्वेश्चन होता है कि स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चन पुटअप करना, और उस एक्सट्रीम प्रेशर में जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर गलतियां कर देते हैं. ठीक है, तो मैं बहुत आसान सा एक सोल्यूशन बताऊंगा या ट्रिक बताऊंगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को तुरंत आइडेंटिफाइड करना और तुरंत उसको सॉल्व करना है. ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन देखते हैं फटाफट. ऑन 1/4/2019 जय एंड विजय एंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट. ओके, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल रूपीज 80,000 एंड रूपीज 50,000 रिस्पेक्टिवली एंड एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट इन रेशियो 3:2. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट द रेट 9% पर एनम. ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ रूपीज 7,800. सो इन वर्किंग क्लियरली प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. ओके, let us summarize the question. Now the business has earned a profit, that is net profit 7,800 का profit earn किया है. ठीक है, 7,800 का business ने profit earn किया है, और जो partners हमको interest capital पे कितना है 9% पर annum. ओके, and their capital contribution is 80,000 and 50,000. ओके, सो हाउ विल यू कम टू नो कि appropriation is more than the profit, मतलब appropriation का जो expenditure जो partners को मिलना है, ठीक है, वो ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो सोल्यूशन हमेशा ऐसे क्वेश्चन का वर्किंग पहले करेंगे. ठीक है, पहले वर्किंग करेंगे, तुरंत उस वर्किंग से ही क्लियर आउट हो जाएगा कि भाई ये एप्रोप्रिएशन के जो एक्सपेंसेस है, या द एप्रोप्रिएशन इज मोर देन द प्रॉफिट. ओके, तो फर्स्ट स्टेप, डू द वर्किंग फर्स्ट, लेटर ऑन वी विल प्रिपेयर द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो पहले हम लोग वर्किंग कर लेते हैं. ठीक है, लेट अस डू द वर्किंग. वर्किंग, सो द वर्किंग क्लियरली, दैट मीन्स व्हाट, की वर्किंग जो है वो क्वेश्चन का आंसर जब भी आप करेंगे तो वर्किंग आपका उसमें मार्क्स प्रॉपर अलॉट रहेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज एट द रेट 9% पर एनम. सो जय का कैलकुलेट कर लेते हैं, 80,000. ओके, 80,000 इंटू 9%, 00 से 00 कैंसल, 7,200. विजय रुपीज 50,000, 50 इंटू 9%, 00 से कैंसल, सो 9,00, 4,500. ओके, लेट अस डू द टोटल. 00, 7, 11, 7, 11,700. ओके, नाउ वी हैव द अवेलेबल प्रॉफिट. हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? अवेलेबल प्रॉफिट इज ओनली रुपीज 7,800. ठीक है, 7,800 अवेलेबल प्रॉफिट है. अब यहीं से क्लियर हो गया वर्किंग से ही कि द अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन द एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट. सो व्हाट टू डू, करेंगे क्या कि अगर आपका प्रॉफिट कम पड़ रहा है और आपका जो एप्रोप्रिएशन है वो ज्यादा है, तो जो एप्रोप्रिएशन में जो भी है एक्सपेंडिचर्स, उसका रेशियो निकालेंगे. वी मस्ट कैलकुलेट द रेशियो.
इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। सो 7200 अपॉन 4500, दो जीरो से दो जीरो कैंसल, 9 से जा रहा है, ठीक है, 9:45 और 8 जा, ठीक है। सो रेशियो आ गया 8:5। अच्छा, ये रेशियो क्यों कैलकुलेट किए? बिकॉज वी हैव द लेस प्रॉफिट, सो व्हाट एवर द रेशियो विल कम, जो रेशियो आ रहा है उसी रेशियो में इस अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इट। सो नाउ जय विल गेट 7800 इंटू 8/13, 8/5 13, सो इसको कट कर देंगे, 8/0/48 एंड विजय 7800 इंटू 5/13 3000, ओके। नाउ द वर्किंग कंप्लीटेड। क्वेश्चन की और रिक्वायरमेंट थी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। नाउ वी हैव द प्रॉफिट ऑन 7800, सो रिकॉर्ड कर लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7800, ओके, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4800 एंड 3000। सो जय 4800 एंड विजय 3000, टोटल विल बी द सेम, दैट इज 7800 एंड 7800। क्वेश्चन ऑलमोस्ट 3 मार्क्स का होगा, तो 3 मार्क्स में आपका वर्किंग पे अराउंड 1 नंबर होगा और आपके पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 2 नंबर होगा, टोटल 3 मार्क्स आएगा, ठीक है। सो इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछने पर आपको क्वेश्चन से पता ही चलेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आपको स्टेप क्या फॉलो करना है कि फर्स्ट डू द वर्किंग, जैसे ही वर्किंग करेंगे विल कम टू नो, तुरंत पता चल जाएगा कि ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है और अप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है। जैसे ही आपको पता चल जाए कि ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, कंपेयर करो कि प्रॉफिट कितना है और अप्रोप्रिएशन कितना है, आपको पता चल गया कि भाई प्रॉफिट कम पड़ रहा है, देन फाइंड आउट दी रेशियो, रेशियो निकालो, उस रेशियो में उस प्रॉफिट को डिवाइड करो, देन प्रिपेयर दी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट दी गारंटी गिवन बाय दी पार्टनर, ओके। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू एंड इट मस्ट बी हेल्पफुल टू इन योर प्रिपरेशन ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ओके। थैंक यू।